का क्या था, तो उसमें हमने पहले कैश देखा, फिर उसके बाद हमने बैंक देखा, और बैंक में फिर हमने बैंक की कंसेशन स्टेटमेंट की, तो उसके बाद हम लोग जो है आज करेंगे अकाउंट रिसीवेबल। सो अकाउंट रिसीवेबल बेसिकली व्हेनेवर वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, तो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होता है, और बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल जनरेट होता है ये हमारा फाइनेंशियल एसेट है, और फाइनेंशियल एसेट को हम करंट एसेट में लिखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर, NRV, नेट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब नेट रियलाइजेबल वैल्यू बेसिकली उसमें हम फाइंड आउट करते हैं अकाउंट रिसीवेबल माइनस हम करते हैं कोई भी अगर हमारे पास आता है अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट, तो हम लोग जो है वो अकाउंट रिसीवेबल में से डाउटफुल अकाउंट माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास जो बेसिकली आता है आंसर उसको हम कहते हैं NRV। तो अकाउंट रिसीवेबल को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं करंट एसेट वाली साइड पर बैलेंस शीट के अंदर, और इसको हम लिखते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर। अब बेसिकली जो है ये जो अलाउंस फॉर डाउटफुल अकाउंट है इसको हमने कैलकुलेट करना है, और इस पे ये चैप्टर है जिसमें हम बेसिकली सीखेंगे कि अकाउंट रिसीवेबल को हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट के अंदर।